અને હવે નજર કરીશું આ દિવાળી અયોધ્યાવાળી। પતિ રાધવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ। तो रामनगरी अयोध्या आज रचशे इतिहास। अयोध्या में आज दीपोत्सव उजवाशे। 24.60 लाख दीवड़ाओ साथ आज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवा जा रहा है। तो राम की पौड़ी 51 घाटों दीवड़ा थी जगमगी उठे। सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम ने राजतिलक करशे। रामकथा पार्क में 5000 थी वधु अतिथिओ पण हाजर रहेशे। तो अयोध्या थी हमारे संवाददाता अजय यादव लाइव जुड़ा चुका है। अजय, कैसा माहौल है अभी अयोध्या का, क्या दिख रहा है, कैसा माहौल? देखिए, माहौल की बात करें तो पूरी अयोध्या फिलहाल राममय दिखाई दे रही है। आज 21 लाख दिए जला करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश अयोध्या से की जाएगी, लेकिन उसके पहले कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम झांकी का है। कुल 18 झांकी निकाली गई है, जिसमें राम कथा से जुड़ी हुई 7 झांकियाँ हैं और 11 झांकियाँ देश के संस्कृति मंत्रालय से आयोजित की गई है। फिलहाल एक झांकी निकली हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान राम की जन्मभूमि से जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ से निकल करके जो राम कथा पार्क है वहाँ की तरफ ये झांकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन झांकियों में अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। उसके सामने ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हैं, ये गुजरात के राजकोट से आया हुआ है। फिलहाल ये ग्रुप यहाँ पर नाचता झूमता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर हाथ की तालियाँ बजा करके इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुजरात से आए हुए हैं, हमारा चैनल भी गुजरात है, इसलिए इनसे जानते हैं। चलिए बताएं, कैसा फील हो रहा है आपको? अयोध्या नगरी में आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, सारू लागियो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। जय श्री राम। मने यहाँ आवीने बहुत खुशी થાય છે, કેમ કે દિવાળી ઉપર અયોધ્યા આવું કેટલા લોકોના સપન હોય ને એવા મોકા અમને લોકોને મળે, એટલે અમે તો ખૂબ જ ભાગ્યશાળી કહેવાય કે એ પાછું અમે ગરબા કરવા અહીંયા આવ્યા છીએ, એટલે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી કહેવાય। દિવાળી મને અહીંયા સેલિબ્રેટ કરવાનો મોકો મળ્યો, મને બહુ જ મજા આવે છે। અમે ક્યારે ના અહીંયા ગરબા કરે છે રામ જન્મભૂમિ ઉપર, અને દીપોત્સવનો એક પાર્ટ છે, બહુ જ મજા આવે છે। આ ડ્રમશ્રી બેટ ઉપર ઊભું રહેવાનું મન નથી થતું। જય શ્રી રામ। अच्छा, क्या ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान राम लंका से लौटे अयोध्या नगरी में? तो अयोध्या नगरी में जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुट करके भगवान राम का स्वागत किए थे, दिए जलाए थे, क्या आज अयोध्या वैसी ही लग रही है आपको? हाँ, एवी रीते जी लागे छे, बराबर जेवी रीते राम पहली बार अहीं अयोध्या आव्या था एवी रीते ज अहीं बहु शणगारेलू छे, बधी बहु तैयारी करेली छे, अहींयानी लाइटिंग भी बहु सरस छे अने राम मंदिर पण बहु बहु शणगारेल छे, बहु ज मजा आवे छे। राजकोट से जो लड़कियां आई हैं काफी खुश है, लेकिन आगे के कार्यक्रम की बात करें, ये झांकी जो राम कथा पार्क है वहां पर पहुंचने के बाद समाप्त हो जाएगी और वहां पर 3 बजे के करीब जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। सबसे पहले भगवान राम का यहाँ पर आरती उतारी जाएगी, फिर राज्याभिषेक किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, जिसमें एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। तो फिलहाल कई सारे कार्यक्रम है, जिसमें पहला कार्यक्रम ये झांकी के रूप में फिलहाल अयोध्या में निकाला गया है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हवे बात अयोध्या में दीपोत्सव। पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रामनगरी अयोध्या आज इतिहास रचवा तरफ है। अयोध्या में आज दीपोत्सव उजवानो छे, जेमा 24,60,000 થી વધુ દીવડાઓ સાથે વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જાશે। રામ કી પૌઢીના 51 ઘાટો દીવડાઓથી જગમગશે। સીએમ યોગી આદિત્યનાથ ભગવાન શ્રી રામને રાજ તિલક કરશે।
रामकथा पार्क में 5000 થી વધુ અતિથિઓ હાજર રહેશે। अयोध्या थी हमारा संवाददाता अजय यादव आ अंगे વધુ વાતચીત કરવા માટે જોડા ગયા છે। અજય બતાઈએ કેસા માહોલ અભી દેખ રહા હે વહાં પર ઓર ક્યા ઝ્યાદા જાણકારી। देखिए अभी अयोध्या के माहौल की बात करें तो पूरी अयोध्या राममय दिखाई दे रही है और खास करके आज जो अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है 21 लाख दियों को जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की बात करें तो आज 10 बजे से ही करीब जो 7 रामलीलाएँ यानी कि अलग अलग जो रामायण कांड है उसको दिखाती हुई 7 जो रामलीलाएं हैं यानी झांकियां निकाली गई हैं और इसी तरह से राम के पीछे पीछे जो उनका पूरा परिदृश्य किस तरह से होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और सबसे पहले यहां पर राम लक्ष्मण और सीता का एक प्रतिरूप बन करके या उनके वेश धारण करके अभी इस झांकी की जो शुरुआत हुई उसमें शामिल जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि राम का कैरेक्टर निभा करके आज अयोध्या नगरी में आपको कैसा लग रहा है? बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए जी। और आप बताइए, आप माता सीता के रोल में हैं और ठीक उसी मुद्रा में हैं जैसे सीता सबको आशीर्वाद देती हैं और सब आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये रोल निभाकर? अच्छा, बहुत खुश नसीब महसूस कर रही हूँ इस टाइम। पहली बार सीता बनी है या पहले भी? पहली बार बनने का मजा ही कुछ और है। जैसा पूरा अयोध्या में माहौल दिखाई दे रहा है उसको देख करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग इतना मतलब भगवान को पूछते हैं, ये चीज देख के बहुत अच्छी लग रही है। और लक्ष्मण से भी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पे लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं और जो भी लोग मिल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको उसी तरह से हाथ जोड़ते हुए जैसे भगवान को उन्होंने साक्षात देखा है, तो आपको कैसा लग रहा है ये फीलिंग जब आपके भीतर आ रही है? मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि मैं ये एक्ट कर रहा हूँ और ये रोल कर रहा हूँ एज अ लक्ष्मण, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर पब्लिक है और ये झांकी जो निकली हुई है यहाँ पर सभी इसी प्रतिरूप को यानी जो राम किस रूप में दिखाई देते हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मुख्य कार्यक्रम की तरफ बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं जो झांकी सामने आपको दिखाई दे रही है ये 7 झांकियाँ निकाली गई हैं जो रामायण से जुड़े हुए जो अलग अलग कांड है उसको दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। उसमें 11 झांकियाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से आयोजित की गई हैं यानी निकाली गई हैं और हर झांकी में वही राम का प्रतिरूप राम की कथा को दिखाने की कोशिश की गई है। और खास करके दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो ये जो झांकी यहाँ से जो राम जन्मभूमि है यहाँ से शुरू होकर के राम की पैड़ी यानी राम कथा जो पार्क है वहाँ पर पहुँचेगी। 3 बजे के करीब उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन वहाँ पर पहुँचेंगी और ये झांकी राम कथा पार्क में ही जाएगी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए जिसे पुष्पक विमान का स्वरूप दिया गया है पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण और सीता उतरेंगे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी आरती की जाएगी बल्कि जो राज्याभिषेक है जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो जिस तरह से उनका राज्याभिषेक किया गया था उस तरह का राज्याभिषेक किया जाएगा और फिर उसके बाद मुख्य कार्यक्रम शाम को होगा यानी कि जो सरयू नदी के किनारे करीब 51 घाट हैं वहाँ पर 21 लाख दिए को जलाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 16x16 यानी 256 दिए एक रेक्टेंगल में होंगे और इस तरह से 25 लाख दिए वहां पर रखे गए हैं और कुल मिला के 21 लाख दिए अगर जलते हैं तो ये एक विश्व कीर्तिमान होगा। तो उस कार्यक्रम के बाद कहा जा रहा है कि जब दीपोत्सव का कार्यक्रम खत्म होगा तो उन्हीं घाटों पर न सिर्फ लेजर लाइट शो होगा जिसके जरिए पूरे राम के जो जीवन चरित्र को दिखाने की कोशिश की जाएगी और अंतिम में जो कार्यक्रम है कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय जो रामलीलाएं हैं उनका मंचन होगा। इस तरह से आज का शेड्यूल यही है लेकिन जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर पूरी अयोध्या नगरी राममय दिखाई देगी और इस वक्त जहां का आप नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा दरअसल राम की जो जन्मभूमि है वहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं। सामने आपको जो फूल मालाओं का गेट जो दिखाई दे रहा है यही दरअसल जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका मुख्य गेट है। फिलहाल 2 बजे तक किसी भी भक्तजन को यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है लेकिन झांकी जो निकलने का कार्यक्रम है ये एक तरह से शुरू हो चुका है जन्मभूमि से और दोपहर 2 बजे तक ये चलेगा यानी ये जो झांकियाँ हैं दोपहर 2 बजे तक राम की पैड़ी और राम कथा जो पार्क है वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो जिधर भी आप देखेंगे राम लक्ष्मण सीता
के उसी प्रतिरूप को आप देखेंगे और हर व्यक्ति यहाँ पर हाथ जोड़ करके भगवान राम को कहीं न कहीं नमन करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो भी झांकी निकल रही है, भगवान आपके माथे पे भी भगवान राम राम लिखा हुआ है, कैसा फील हो रहा है अयोध्या नगरी को इस तौर पे देख के? फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, अद्भुत नजारा है। अयोध्या ना आके जो नहीं आ रहा है वो बहुत पछताएगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, आप? जौनपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ऐसा कभी नहीं देख पाते। संस्कृति को देख के मुझे बहुत ही गर्व अपने भारत देश के ऊपर हो रहा है। आपको लग रहा है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद जो राम मंदिर में आप आएंगे तो वो नजारा दूसरा ही होगा? भव्य नजारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अद्भुत नजारा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ आम लोग। अच्छा, ये बताए कि आप तो हनुमान का एकदम गेटअप लेकर के आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो अपने अपने तरीके से जो भगवान राम से जुड़ी हुई जो भी चरित्र है उसको उकेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या, धार्मिक नगरी अयोध्या का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता का प्रतिरूप बन करके या उनके रूप को धारण करके लोग जा रहे हैं और अलग अलग झांकियाँ। ये जो झांकियाँ आप देख रहे हैं ये दरअसल उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की तरफ से है। अब हम मुख्य जगह आपको लेकर चलते हैं। ये मुख्य जगह दरअसल जो राम जन्मभूमि है उसका मुख्य गेट है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा इधर से आए ताकि हम अच्छे तरीके से दिखा सकें। ये जो है देखिए सामने आप देख सकते हैं किस तरह से जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका जो मुख्य गेट है राम जन्मभूमि पथ, यानी यहीं से मुख्य मंदिर में आप जाएंगे। और दीपोत्सव का चूंकि कार्यक्रम रखा गया है इसलिए इस गेट को भव्य तरीके से सजाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है और जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ फूल मालाओं से इस पूरे एरिया को सजाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये झांकियाँ एक एक करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, राम कथा पार्क तक पहुँचेंगी और फिर उसके बाद जो भगवान राम है उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी और फिर उसके बाद इस तरह से कार्यक्रम का समापन होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी राममय दिखाई दे रही है और इस तरह से 21 लाख दिए जला करके आज विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने की।